हेलो। हेलो। नमस्ते संपत सर। जैसा कि अभी मैं स्वाति की वेट कर रही हूं, उसके बाद कि मैं अभी स्वाति की वेट कर रही हूं और कुछ ही देर में स्वाति हम लोगों के साथ ज्वाइंट हो जाएंगी। तो आजकल हमारा, जैसा कि आप सभी को पता है, हेलो स्वाति। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और कैसे खुशबू मैम? एकदम बढ़िया चकाचक। कैसे? बिल्कुल। और कैसे एक्साइटमेंट अपना एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि अब तो हमारे फिंगर काउंटिंग पे आ चुके, आवर्स काउंटिंग पे, फिंगर काउंटिंग नहीं, अब तो हम आवर्स काउंटिंग पे आ चुके हैं। अभी आवर्स काउंटिंग पे तो नहीं है, अभी तो फिंगर काउंटिंग पे ही है, क्योंकि एक्चुअली हमारी टाइमिंग और उनकी टाइमिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। और अब तो हमारी वेबसाइट पे भी काउंटडाउन शुरू हो गए हैं, है ना स्वाति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप सुनाइए, और फिर आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे कर रहे हो? हमारे बीच में जुड़ चुके हैं मनीष कुमार जी, वेलकम। यस। तो स्वाति, हम लोग जैसा अभी कि वेट आज कर रहे हैं। हमारा पॉपी बराई मैम भी बांग्लादेश से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में, कोई भी हमारे साथ अगर लाइव में जुड़कर अपनी एक्साइटमेंट को शेयर करना चाहता है तो जरूर ज्वाइन करें। आज का हमारा टॉपिक है ये, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल संडे है और 20 नवंबर भी है, तो हम लोगों का कल ही ऑन पैसिव लॉन्च होने जा रहा है और चारों तरफ बस एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट और फुल ऑफ एक्साइटमेंट। चाहे फेसबुक पे देखो, लीडर्स के पोस्ट देखो, या वेबिनार में फीडबैक सेक्शन देखो, हर जगह बस एक्साइटमेंट। तो स्वाति, मैं तुमसे सुनना चाहूंगी, तुम अपनी एक्साइटमेंट जर्नी को कैसे बोलोगी? थैंक यू मुकेश सर, आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अपनी शेयरिंग के लिए। बिल्कुल। थैंक यू पंकज एक्साइटमेंट को, इस एक्साइटमेंट को मैं शब्दों में शायद अपने जो व्यूअर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रख पाऊंगी, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इन ये जो मोमेंट है उसको हम लोगों को सिर्फ जीना जीना और सिर्फ जीना चाहिए, क्योंकि ये शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। हम लोग लाइफ में आगे बहुत क्वालिटी लाइफ मिलेगी हम लोगों को, जिस कंपनी के हम लोग फाउंडर हो चुके हैं, पार्ट हो चुके हैं, तो आगे जाके हमारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। हम बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे, बट ये जो टाइम है वो शायद वापस नहीं आएगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि हम लोग जितना इस टाइम को जी सकते हैं जिएं, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज पाटिल सर, तो जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है। अनिमुल इस्लाम साहेब सर जुड़ चुके हैं, पॉपी बराई मैम जुड़ चुकी हैं बांग्लादेश से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वाति। जैसा कि अभी तो बस एक्साइटमेंट का ही दौर है, और आज रॉब लिन लाइव में भी, लिन मैम ने भी लाइव बहुत सारे लोगों को मौका दिया था लाइव जुड़कर अपनी एक्साइटमेंट लेवल शो अप करने का, और अपने फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं इसके भी शेयरिंग रखने का। तो मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी आज लिन मैम के साथ लाइव में ज्वाइंट हो पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ लाइव में, उनके लाइव शो में जाने से। तो सबसे बड़ी बात है कि एक्साइटमेंट तो मेरा ऐसे बढ़ गया है कि चाहे मतलब डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लोग हैं, रीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, हम लोग एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे, और ऑन पैसिव ने हम सबको एक फैमिली में बांध दिया है, और हम सभी एक दूसरे के साथ अपनी थॉट ऑफ शेयरिंग कर रहे हैं।
आगे के फ्यूचर को लेकर के तुम्हारी क्या प्लानिंग है स्वाति, मैं तुमसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, तो साथ में खुशबू हम लोग ऐड भी करते रहे मैम हाँ, अभी अगर। तक मेरे पास हाँ कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है, तो ओके, तो जो भी हमें लाइव देख फ्रेंड्स रहे हैं उन सब से जितना मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें ताकि हम आपको ज्वाइन करें। यस पंकज सर, आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कमेंट्स के साथ आप लोग अपना एक्साइटमेंट दिखाइए, क्योंकि हम लोगों के लिए ये पल वापस नहीं आने वाला है। और जो जो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाला जुड़ सकते हैं, रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज और हमारे साथ जुड़िए, ताकि क्योंकि इस वक्त हम लोगों को पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी हम लोगों को फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो आप लोग साथ में जुड़िए और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर हम अपना एक्साइटमेंट दूर दूर तक पहुंचा सके। तो खुशबू मैम, आप मेरे से पूछ रहे थे कि आगे फ्यूचर के बारे में हम इस चीज को लेकर क्या सोचती हूँ मैं। तो मैं इतना ही बोलूंगी मैम कि जिस कंपनी में हम लोग अभी फाउंडर हैं या जिस कंपनी के अभी हम लोग पार्ट हो चुके हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी है, एक बहुत ह्यूज प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, जो आने वाली शायद कोई भी कंपनी इसके आगे टिकने वाली नहीं है। हमारे जो सीईओ हैं ऐश मुफारे सर, वो बहुत ज्यादा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं वो मार्केट में, वो ह्यूमैनिटी पर वर्क करने वाले हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे अभी तक, आपने देखा होगा गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और नाइका है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर मैं नाम गिनाने लगूँ तो शायद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। सभी लोग प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में, उन्होंने लाइफ को बेटर किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमन पर वर्क, ह्यूमन क्वालिटी पर वर्क नहीं किया, ह्यूमन लाइफ पर वर्क नहीं किया। बट हमारी कंपनी का विजन ही यही है कि जो लाइफ है, जो हमारे सीईओ का विजन ही यही है कि कंपनी के थ्रू, मिशन के थ्रू, कंपनी का जो मिशन है वो तो वर्क करेगा ही, बट हमें उसके साथ साथ लाइफ को, ह्यूमैनिटी को ऊपर करना है। तो ये चीज जो हमारी कंपनी करने वाली है, तो हमारा फ्यूचर अगर ह्यूमैनिटी और प्लस जो हमें चीजें क्वालिटी लाइफ मिलने वाली है, तो हमारा फ्यूचर हम जितना सोच रहे हैं शायद उससे भी बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि उसके पार्ट हम लोगों को एक पार्ट बना दिया गया है आज की तारीख में। तो हम लोगों को भी मतलब एक सम्मान मिलने वाला है। तो ब्रांड एम्बेसडर का जो टैग है, सिर्फ टैग नहीं है, सिर्फ फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, सर मेरा आपकी इतना मानना रिक्वेस्ट है। मेरे पास, सॉरी टू इंटरप्ट स्वाति, पंकज सर आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई है सर, सर अगेन रिक्वेस्ट सेंड करें। यस निखिल गुप्ता सर, आप लखनऊ से हैं, आप भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जॉनी सिल सर, आप भी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और हम जरूर आपको लाइव में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज आप अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, अभी तक मेरे पास किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो जॉनी सर, आपने लिखा है कि डेडिकेटेड टू मैम, सर आप यहाँ पर आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने, तो आप भी एक डेडिकेटेड रोल में ही आते हैं, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाला है हमारे लिए। तो प्लीज लाइव आइए और हम आपको सुनना चाहेंगे, तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नीचे ब्लू कलर का बटन आएगा, वहां पे सेंड और रिक्वेस्ट लिखा होगा, तो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, तो हम लोग ऐड हो जाएंगे। यस, ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति मैम, आपने बहुत ही अच्छे से शेयरिंग की कि जैसा कि अभी भी बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट हैं और लेकिन हमारी कंपनी जो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर रही है। जैसा कि स्वाति आप देख ही रहे हैं कि हमारी कंपनी 4 साल से अंडरगोइंग प्रोसेस, बनने की प्रोसेस में चल रही है और इस 4 साल में किसी के भी पास कुछ अर्निंग नहीं आई है, फिर भी 4 सालों में 14 लाख लोग जुड़ना बिना किसी अर्निंग के आज के इस युग कलयुग में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास एक विजन है, एक मोटो है। आज बहुत सारे लोग वेबिनार ले रहे हैं तो आज की इस दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके अपना समय ऐसे वेस्ट कर सके या लोगों को मोटिवेट कर सके बिना पैसे के। क्योंकि बिना स्वार्थ के तो आजकल बाप का बेटा नहीं होता, बेटे का बाप नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता है। तो इस
स्वार्थ की दुनिया में स्वार्थ रहित होकर के जो हमारे लीडर्स दिन रात काम कर रहे हैं, ये एक हैट्स ऑफ है ऑन पैसिव की तरफ से। मैं इसे बहुत मतलब ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, और शायद यही कहीं ना कहीं रीजन है कि मैं इस ऑन पैसिव बिजनेस में आई हूँ, जहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास टोटल टाइम फ्रीडम भी होगा और मनी फ्रीडम भी होगा, और साथ ही साथ आप अपने टाइम जोन के हिसाब से आप अपनी शेड्यूल कर सकते हैं, आप अपने वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी मतलब शेयरिंग रख सकते हैं, आप अपने बैक ऑफिस में जा सकते हैं, ये सब कुछ आप अपने टाइम। और देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि एस मुफारे सर ने जो हमारा NDA, जो कानूनी जो दस्तावेज है हम लोगों का, उसमें अगर हमें कुछ करेक्शन, अगर हमने कुछ इनकरेक्ट कर दिया है, तो उसे भी हम खुद जाकर के करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एज ए होल एस सर हम सभी लोगों को को डिपेंडेंट से इनडिपेंडेंट ऑन 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 योर सेल्फ, मतलब अपना खुद का काम खुद खुद पर हमें कैसे हम ले सकते हैं, हम दूसरे को ब्लेम ना करते हुए हम खुद कैसे उस चीज को सुधार सकते हैं, ये चीज की ओर लेके जा रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब और भी ज्यादा एक्साइटमेंट लेके जा रहा है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही था कि नासा का जो हम लोगों ने देखा था, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था ऑन पैसिव में जुड़ करके। मतलब एक एक चीज जो भी हम देखते हैं वो मतलब एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट और बस एक्साइटमेंट। सुरेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सर आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भी सेंड करें ताकि हम आपके भी एक्साइटमेंट को देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें। आज क्या बात है, आज कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर रहे हैं, लगता है आज प्लीज। खुशबू मैम, एक्चुअली में लगता है आज हमारे व्यूअर्स इतने एक्साइटेड हैं कि वो फुटबॉल लेके शायद दुबई तो नहीं चले गए हैं, मुझे तो वही ऐसा लग रहा फील है, लग रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। एक्चुअली वो लोग है ना इस सोच में डूब गए हैं कि पहले फुटबॉल लेके आता हूँ तो वो मार्केट निकल गए होंगे। तो तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल नो द प्रॉब्लम सर, व्यूवर्स, जॉनी सर, नो प्रॉब्लम, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच सर। यस मैम, आई रिक्वेस्ट यू ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज ज्वाइन विथ अस। दिस इज हिंदी सेशन एंड यू कैन शेयर योर थॉट एज वेल एज इन पंजाबी, बंगाली, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश। वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द लैंग्वेज एंड वी कैन ट्रांसलेट इट फॉर यू। प्लीज शेयर योर एक्साइटमेंट एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर सम अदर लैंग्वेज, यस वी कांट नो अदर लैंग्वेज अदर देन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, नेपाली, बट वी कैन वेलकम जितेंद्र सर, फील द वैल्यू वेलकम। ऑफ योर वर्ड्स। यस ओके, स्वाति मैम, यस बिल्कुल। मैं एक चीज बोलूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कभी भी हमें अपनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की हमें ये लैंग्वेज नहीं आती, एम्बेरस फील नहीं करना है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें रही कि इंग्लिश में, इंग्लिश अगर इंटरव्यू हो रहा है तो इंग्लिश में, या बहुत सारी चीजें हैं, कई बार हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को लैक कर जाते हैं। तो प्लीज व्यूअर्स, ये यहाँ पर हम लोगों को अपने आप को ऊपर उठाना है, क्योंकि हमारे ऐश सर ने जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सब में लैंग्वेज बैरियर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, इवन मैं भी उस रूल को नहीं मानती हूँ, मेरे पास कोई क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आ रही है और और कमेंट में आ रहा है कि मैंने 3 बार रिक्वेस्ट भेजी है। आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी रिक्वेस्ट सो नहीं हो रही है सर, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजते पंकज रहे। सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसमें नेटवर्क एरिया में देख लीजिए, अगर हो सके। कई बार नेटवर्क का इश्यू आ जाता है तो हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आ पाती है, आप एक बार और ट्राई कीजिए, हो सकता है हम लोग कनेक्ट हो पाए।
तो लैंग्वेज का मैं बोल रही थी कि प्लीज आप लोग अपनी लैंग्वेज में ही बात कीजिए, क्योंकि जो दिल से बात निकलती है वो उससे बढ़िया शब्द हम एक दूसरे के को नहीं समझा सकते, क्योंकि जो दिल से बात निकलती है वो दूसरे दिल तक जरूर जाती है। तो प्लीज अपनी लैंग्वेज को यूज कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर आप बोलिए। हमारे इंडिया में AIS IP जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी बहुत सारी अभी लैंग्वेज पर कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस चीज पे इसका कोई इशू ना रहे, और यहाँ पर हम लोग हर तरीके के लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो यस उसके साथ स्वाति आप मैम, कुछ क्या? और जैसा कि अभी लैंग्वेज की बात हो रही थी तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर भी ऐसे हैं जिन्हें हमारी हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो तो उन्हें तो कम कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमें हिंदी नहीं आ रही है, तो उन लोगों ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि हमें हिंदी उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो हम उन एस सर ने उनके उन्हें अपना जो थॉट ऑफ शेयरिंग था, जो फीडबैक था, वो टीम चैंपियन में वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार में वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी हिंदी नहीं समझ में आ रही थी। इसलिए हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कमजोर हैं या कुछ है। ये आशीष मुझे सर खुशी नेपाल लागे से हैं बट को अभी हाम्रो नेपाल साउदी बाटा में पनि हैं। व्यूवर आइदिएको छ, अनि नेपाल बाटा आउनु भएको ले तपाईको तपाईलाई धेरै धेरै नमस्कार छ, अनि तपाईँ चाहिँ रिक्वेस्ट सेन्ड गरिदिनु होला, तपाईँसँग अनुरोध गर्दैछु, अनि म चाहिँ तपाईँलाई लाइभ तपाईँको भ्यू चाहिँ सुन्न उत्साहित छु। खुशबू मैम, मैं यहाँ पर एक कुछ चीजें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जुड़ना चाह रहे हैं बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे फीडबैक माइंड ब्लोइंग चल रहा है और उसके साथ एक्साइटमेंट भी। तो आप वो देखेंगे कि इंटरनेशनल वेबिनार्स में भी अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहां पर एक्साइटमेंट और फीडबैक दोनों माइंड ब्लोइंग चल रही हैं। तो कुछ वेबिनार्स में, दो वेबिनार्स में मैं कल अटेंड किया था मैंने, तो एक जूली मैम का और माइकल सर का। उन्होंने एक माइकल सर ने बहुत अच्छी बात बोली एश सर के लिए, जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि, और हमने कॉर्पोरेट वेबिनार में भी अपने एश सर के मुंह से सुना था कि वो गॉड पर बहुत बिलीव करते हैं। और सॉरी टू इंटरप्ट यू स्वाति, आप सबसे पहले कमेंट कुछ भी लिखें और वहां पर एक ब्लू लाइन में लिखा हुआ आएगा सेंड योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, तो आप उसे क्लिक करें, वापस से आपको लिखा हुआ आएगा रिक्वेस्ट सेंड, उसे भी आप क्लिक करें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, या आपके मोबाइल में एक ग्रीन कलर का बटन का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। यस स्वाति कंटिन्यू। तो जैसा कि हमारे एच सर गॉड पर बहुत बिलीव करते हैं, डेफिनेटली हम लोग भी बिलीव करते हैं कि उन्होंने आज हमें ऑन पैसेज से जोड़ा। और हमारे एच सर का बोलना है कि एक इनक्रेडिबल फोर्स है जो मुझे ऑन पैसेज को और बेटर करने के लिए मुझे रो एवरी डे पावर दे रही है और एवरी डे फोर्स कर रही है, पुश कर रही है कि मैं और बेटर कर सकूं। और उसके बाद उन्होंने एक चीज बोली कि जो भी कोई भी कंपनी की सक्सेस उसकी टीम बॉन्डिंग के ऊपर होती है। अगर कोई किसी भी कंपनी का टीम बॉन्डिंग नहीं होता तो वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तो टीम बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी होता है पॉजिटिवली। तो जैसे कि आप एक जस्ट लाइक अभी कल से हमारे मैच शुरू हो रहे हैं, तो एक फुटबॉल का मैच अगर मैं लूं तो गोल जो रोकता है या करता है सिर्फ उसका रोल अकेले का नहीं होता है, पूरी टीम का रोल होता है। तो कहने का मतलब है यही एश सर ने और कल माइकल सर हमें समझाना चाहते थे कि हम लोगों को अपनी कंपनी को बहुत अच्छी टीम वर्क करके, और हमारे एश सर के पास इतनी अच्छी टीम है, मीडिया है, सीईओ तो है ही है, COO भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और उनके साथ चलते चलते उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हुए वो कंपनी को आगे लेकर आ रहे हैं। और एक कल बहुत कुछ सरप्राइज मिलने वाला है हम लोगों को। तो ये चीजें हम लोग एवरीडे देख ही रहे हैं। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। स्वाति सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्वाति मुझे रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जबकि कमेंट खुशबू आप में देखिए, नहीं नहीं खुशबू आप देखिए, नीचे नीचे देखिए,
अपने नीचे देखिए मैन बनने आता है, वहां पे यस आ रहे यस होंगे एक दो, यस आ रहे, थ्री। हाँ हाँ उनको क्लिक करो आप, उनको क्लिक करके क्लिक किया तो वहां पर सिर्फ स्वाति गोयल आ रहे हैं, नो रिजल्ट फाउंड आ रहे हैं। ओके आपके स्क्रीन पे ऊपर कोई पिक्चर आ रही है, फोटोज आ रही है नो आपके स्क्रीन के ऊपर? नो ओके तो फिर आपके कोई हो सकता है कोई सेटिंग में ना प्रॉब्लम हो, कोई भी ऊपर वो आ रही होंगी, पिक्चर्स आ रही होंगी, आप देखिए एक बार। नो नो ओके नीचे जो थ्री आ रहे हैं उन पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया, थ्री पर भी क्लिक किया, नो रिजल्ट फाउंड, ओनली तुम्हारा नाम शो कर रहा है। ओके ऊपर और कुछ लिखा एक हुआ आ रहा माइक है ऑप्शन आ ऑडियंस? रहा है, एक तीन लाइनिंग आ रही है, तीन लाइनिंग नहीं, तीन नो। लाइनिंग नहीं, वो तो सेटिंग है, थ्री लाइंस नहीं, वो तो सेटिंग है। कोई ऑडियंस करके लिख कर आ रहा है? नो ओके नहीं, ऊपर की साइड फोटोज भी आती है ना, वहां पर आप देखो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल ऊपर फोटोज भी आती है, तो वहां पे भी क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। नहीं आ रही है, मेरे स्क्रीन पे कोई फोटो शो नहीं हो रही है। ओ ओके चलो कोई बात नहीं, अपना अगर कोई शो हो तो आप तुरंत ले लेना, नीचे अगर नंबर आता है या ऊपर फोटो कोई शो होती है तो आप उसको क्लिक करके कर लोगे तो वहां से भी एक्सेप्ट कर सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी और रिक्वेस्ट आई तो मैंने तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर ऐसा अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें चलो कोई भी बात नहीं नहीं, कर पाती। कोई हाँ कोई बात नहीं, हम लोग फिर और हो ये सकता है आप कि नोटिस। मैं कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक मेरी तरफ से भी हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। नो ओके चलिए आप कंटिन्यू कीजिए इस सेशन को। आई एम रियली फीलिंग वेरी लो डेट मैं आप लोगों नो की वरी कोई रिक्वेस्ट बात आप लोग भेज नहीं, रहे हैं और शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, या आपके मोबाइल की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट बहुत थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ कि नो आप प्रॉब्लम लोग। खुशबू, नो प्रॉब्लम, हमारे व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं तो कई बार चीजें खराब तो भी हो ऐसा जाती है और करूं कई क्या बार चीजें हमें स्वाति, नहीं एक आती हैं। बार लाइव को फिनिश करके फिर वापस से तुम ज्वाइन करके देखो, कहीं अगर मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं कोई बात नहीं, रहने आ दो, गई हो कंटिन्यू तो। करो, कोई बात नहीं खुशबू, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ओके कोई ऊपर फोटो आए तो उसको क्लिक कर लेना, या नीचे एक आदमी की फोटो आती है उस पे नंबर आते हैं तो आप उस पे भी कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अपने उसको हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें उसको एक्साइटमेंट को खत्म नहीं वो करेंगे। एक्चुअली नंबर तो आ रहे हैं फोटोज पे, 5 कभी 3 कभी 2 नंबर्स तो आ रहे हैं, पर मैं उसे क्लिक कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम आ रहा है और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं दिखा रहा वहां पे, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। ओके तो अभी हम लोग थोड़ा सा करके फिर एंड करेंगे तो यस मुझे लग रहा है कि हाँ स्वाति हो सकता है या तो मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल एरर हो, तो मुझे लगता है कि मैं कोई यहाँ प्रॉब्लम पर फिनिश करके वापस से तुम एक बार ज्वाइन करके देखो। नहीं नहीं वापस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि वो हो जाएगा प्रॉब्लम, फिर लंबा नहीं जाना है ना, आप कंटिन्यू ओके करो ओके उसको सेशन। आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी सॉरी माय फ्रेंड्स, माय फाउंडर फैमिली, मुझ तक आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आई एम अनेबल टू ज्वाइन। नो मैं आप प्रॉब्लम, लोगों की रिक्वेस्ट नहीं पहुंचने की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहां तक हमारा ये कोई जो बात अभी नहीं, जो कोई बात नहीं, हम वैसे ही अपना आपस में हम लोग अपने व्यूअर से वैसे भी बात कर सकते हैं क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी यस यस आप और एक्साइटमेंट के साथ कैसे तो क्या जहां तक फील कर रहे हो? एक्साइटमेंट की बात है तो स्वाति रियली तुमने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि जो एक्साइटमेंट जो है हम लोगों का टीम वर्क से ही हम लोग का बहुत अच्छे से कैरी ऑन हो सकता है, जैसा कि माइकल वेल सर की बात तुमने कही और एस सर ने भी इस बात को बहुत अच्छे से कहा है।
तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि जैसे हम घर पे भी अगर होते हैं तो फैमिली में भी हमें टीम वर्क की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जब हम फैमिली में कोई डिसीजन लेते हैं तो एक बड़ा आदमी अगर कुछ बात बोलता है तो सब कोई जब उसके डिसीजन से एग्री करते हैं तभी वो फैमिली बहुत अच्छे से हेल्ड ऑन हो पाती है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो फैमिली छोटे 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 न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होती चली जाती है। तो इसलिए हम लोगों का टीम वर्क तो हर जगह नेसेसरी होता है, और जैसा कि हम लोग मतलब 14 लाख फाउंडर्स हैं, तो अगर हम अपनी तरफ से अपने एक-एक टैलेंट को अगर ऊपर लेके आए और उस टैलेंट को हम एक ग्रुप बनाएं या एक कम्युनिटी बनाएं ओन नेटवर्क में, या हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, या 14 लाख लोग अगर एक-एक व्यक्ति तक भी अपनी बातें पहुंचा पाएं और शेयर कर पाएं, तो बहुत जल्दी हम मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, और बहुत जल्दी हम आगे तक पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत मतलब एक्साइटमेंट की बात है। और स्वाति, तुम क्या बोलना चाहोगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला खुशबू मैम कि काफी चीजें अगर हम एक-एक को भी अपने साथ जोड़ के चले तो हम लोग लाइफ में अपनी जो हमारे ऐश मुफर्रे सर हैं उनके विजन को सफल होने में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट दे पाएंगे। बिल्कुल आपने सही बोला। और साथ में मैं एक चीज और कल के वेबिनार के बारे में बोलूंगी कि हमारे मार्टी सर ने जो हमारा कल बीन स्पोर्ट्स का शुरू हो रहा है जिसके लिए हम लोग वेरी एक्साइटेड हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो स्पोर्ट्स चैनल है वो 120 कंट्री में लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और क्योंकि एक बहुत बड़ा कवरेज है इस चैनल का, और यहाँ पर फीफा का जो मैच है वहां पर कम से कम बिलियंस में लोग आते हैं, तो बिलियंस में लोग आने का मतलब है कि वहां पर जब हमारे एडवर्टाइजमेंट चलेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि वहां पर कितना इफेक्ट आने वाला है। तो उन्होंने तीन कैटेगरीज, आज अभी आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो कंपेनिंग चलेगा वो थ्री पार्ट्स में चलेगा। तो पहला पार्ट्स में कंपनी के विजन और व्हाट इज ऑन पैसिव इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि अभी मुझे खुशबू मैम को और आपको सबको पता लग चुका है कि हमारी कंपनी का विजन क्या है और कंपनी क्या वर्क करने वाली है, बट हमारे बाहर जो जहां हमें प्रोडक्ट पहुंचाने हैं लोगों तक पहुंचाने हैं उनको हमारी कंपनी के विजन के बारे में नहीं पता, ना ही हमारी कंपनी ऑन पैसिव है क्या वो पता नहीं है। तो जो फर्स्ट डे 10 डेज है हमारी कंपनी पूरा उस पर फोकस करेगी, और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज आएंगे जितने भी फोटोज आएंगे सब हमारे मार्केट में आ जाएंगे, जिससे हम लोगों को दूसरों को भी समझाने में मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद वो सेकंड पार्ट में हमारे जो फ्री प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करेंगे, और फ्री सुनकर तो सबकी आंखें खुल जाती हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो फ्री सुनते ही इसलिए हमारे ऐश सर बहुत दिमाग लगाते हैं कि हमें कहाँ पे अटैक करना है। तो फ्री प्रोडक्ट होंगे जितने भी हमारे ओ ट्रिम है ओ मेल है वो सब वहां पर पूरा डिस्क्राइब किए जाएंगे, ताकि वहां पर जितने भी हमारे व्यूअर वहां पे लोग आए हुए हैं जमा हुए हुए हैं वो उस चीज पे फोकस कर सकें, और जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को एक बंदा भी यूज करता है तो वो ऑन पैसिव से तो फिर बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम ही इतना है। और उसके बाद पेड प्रोडक्ट होंगे लास्ट 10 डेज में, तो पेड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आगे, तो उसके बारे में सारे जितना भी डिस्क्राइब होगा हमारी वीडियोस फोटोज ऑडियोस सब कुछ मार्केट में आएगा, तो हम फाउंडर्स को भी किसी को बताने में दिक्कत नहीं होगी। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारी कंपनी का मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगा वो 3 फेजेस में चलेगा, और इससे बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स ब्रदर एंड सिस्टर को भी बेनिफिट होगा जो लोग टेक्निकली अभी ऑन पैसिव को थोड़ा कम दिन हुआ है ज्वाइन हुए, और उन्हें ऑन पैसिव को लेकर के अपनी सही बातें समझाने में दूसरों को क्लियर करने में, वो खुद तो क्लियर है
पर दूसरों को क्लियर करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो वो वहां पर इजीली उन वीडियोस को शेयर कर पाएंगे और जो कंपनी की तरफ से वो वीडियोस आएंगे तो ऑब्वियसली सभी लोग बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे और हम लोग के प्रोडक्ट से वो लोग ज्वाइन कर पाएंगे। और दुनिया की ये पहली कंपनी ऑन पैसिव होगी जो फ्री के प्रोडक्ट पर मार्केटिंग करने के लिए इतना ज्यादा मतलब पैसा खर्च कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तो अब इससे ही तुम्हें समझ में आ गया होगा और हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आ गया होगा कि ऑन पैसिव जो कंपनी है वो कितनी बड़ी है और इसका विजन कितना बड़ा है। यहाँ पर एक ओ ब्लेस करके भी प्रोडक्ट आएगा, तो ओ ब्लेस में हम लोग का मतलब जैसे हम लोग 14 लाख फाउंडर हैं, अगर 14 लाख फाउंडर्स में से कुछ फाउंडर्स को अगर किसी चीज की मान लो जरूरत आ जाती है और एज ए होल कम्युनिटी अगर हम सब मिलकर एक एक रुपया भी अगर सपोर्ट करते हैं इन फ्यूचर, तो सामने वाले बंदे के पास 14 लाख रुपए आ जाते हैं उसके उस वर्क को करने के लिए। तो एज ए फैमिली मेंबर हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मतलब बात हो जाती है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक 14 लाख लोगों की मतलब 14 लाख प्लस लोगों की बहुत बड़ी टीम है, और जिसके साथ हम सपोर्ट के साथ हम कोई भी बिजनेस कोई भी जो न्यू आइडिया है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। और हम मतलब अगर हम एक एक लोगों की हेल्प भी करना शुरू करें तो हम अपने मतलब 14 लाख लोगों से हम 28 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं, फिर वो 28 से वो और ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। तो इस तरह से ये कारवां जारी 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 रहेगा और बहुत जल्दी मतलब हमारी कंपनी भी बहुत अच्छे जो एस सर के जो विजन है उस विजन को हम पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड में फैला सकेंगे। तो ओवर टू यू स्वाति मैम। तो सबसे पहले मैं इकबाल सर का थैंक यू बोलूंगी। सर, आपके लड्डू हम तक पहुंच रहे हैं और आपके वो लड्डुओं के थाल से हमारे पास तक खुशी पहुंच रही है, तो हम वर्चुअली उसको खा रहे हैं। तो आप बहुत बहुत स्वाति धन्यवाद मुझे कि लग रहा है हमारे मेरी ही मोबाइल के सेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए शायद मुझे तो अभी हम लोग फिर हमारे रिक्वेस्ट साथ व्यूअर्स तो नहीं जुड़ पा रहे तो सेशन को एंड करें या क्या यस कहते हैं। मुझे यही लग रहा है। तो मैं अगेन अपने व्यूवर्स से माफी मांगते हुए आज का सेशन शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए हम आपसे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं, और मैं जरूर अपने मोबाइल की सेटिंग को सही करने की कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। और आज के लिए आप सभी लोगों को हम ज्वाइन नहीं करवा पाए, या तो मेरी मोबाइल की वजह से या कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो सॉरी मांगते हुए आज नो के सेशन को प्रॉब्लम। हम यही वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट जब स्वाति। लर्निंग करते हैं खुशबू मैम, जब लर्निंग करते हैं तो कई बार गलती होती है, कई बार 0 भी आता है, कई बार 5 नंबर भी आता है आउट ऑफ 10, और उसके बाद 10 आउट ऑफ 10 भी आता है। तो ये तो जी लर्निंग प्रोसेस है। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं। ओके, एंजॉय योर सेल्फ। एंजॉय। और कल के लिए हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, तो कल संडे है और संडे को हम लोगों को हमारा कंपनी भी लॉन्च होने जा रहा है। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी एंड आर सो इन इट टू थैंक यू विन इट। फॉर एवरीवन, थैंक यू योर प्रभु सर, सपोर्ट, प्रभु योर सर, थैंक कमेंट। यू सो बाय। मच।